शामली के कस्बा थाना भवन के ग्राम रसीदगढ़ में खेत से कुछ लकड़ी उठाने को लेकर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक खेत से कुछ लकड़ी उठा रहा था, जिसके चलते कहा सुनी हो गई और बाद में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि सैनी समाज के द्वारा हरिजन समाज के युवक के साथ मारपीट की गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि हमारी मांग है कि हमें आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। इस मामले को लेकर थाने में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हाँ जी, आपका नाम? अनुज भारती। यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, क्या मामला है? एक गांव रसीदगढ़ पड़ता है थाना भवन क्षेत्र में, जिला शामली में जी। वहाँ पे एक घटना हुई थी, कल मार पिटाई हुई थी, उनके कहा सुनी आपस में हुई थी जी। उसी चीज को लेकर दोबारा जो पीड़ित परिवार था उनके साथ में दोबारा फिर सैनिक समाज के लोगों के द्वारा मारपीट की गई घर जाकर, जिसमें उसको काफी सर में चोट आई। सर में चोट लगने के बाद में वो थाना भवन थाने में एक मिनट बस वो लेके पहुंचे यहाँ पे, और लेने के पहुंचने के बाद में काफी देर बाद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद में मेडिकल के लिए थाना भवन भेजा। थाना भवन मेडिकल वालों ने उसको मुजफ्फरनगर के लिए रेफर किया, जिसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। और अब हमारी ये मांग है सौर समाज की, जितने भी बहुजन समाज के यहाँ पे लोग हैं, कि जो हत्यारोपी है उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो। कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ, हम लोगों की ने जो कंप्लेंट दी थी यहाँ के थाना भवन पुलिस को, उन लोगों ने हमारी जो एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर दर्ज कर ली है। कितने व्यक्ति थे उसमें? चार लोग थे। हम लोगों ने जो नाम दर्ज दिए थे उसमें दो है, दो में विवेचना में इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि दो नाम जो आप लोगों ने दिया है वो विवेचना में हम लोग अंकित कर देंगे। जैसे कल दो बार झगड़ा हुआ जी, क्या दोनों बार यहाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं, एक बार उनकी जो झगड़ा हुआ था गाँव में, एक बार तो उन लोगों ने गाँव में ही अपना ये सूचना ऐसी गाँव के लोगों की है, उनके जिम्मेदार लोगों का फैसला हो गया था, लेकिन उसके बाद ही पीड़ित परिवार के द्वारा साथ में उन लोगों ने जाकर मारपीट फैसला करने के बाद में मारपीट दोबारा की है। तो उसके बाद वो लोग थाने में पहुंचे अपनी तहरीर लेके, और तहरीर देने के बाद में आज सुबह जब लोग थाने में पहुंचे, उन लोगों की तहरीर कुछ मतलब यहाँ पे देने के बाद में काफी देर तक यहाँ बैठ रहे, उसके बाद उनकी तहरीर जमा की है। किस समय देने आए थे? सुबह 8 बजे। मारपीट करने के बाद में? मारपीट किसके द्वारा की गई? मारपीट समाज के लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित है पीड़ित को न्याय दिया जाए और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार की जाए। धन्यवाद। ठीक है जी।